अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपने मांगों के समर्थन में सोमवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। साझा मोर्चा के आह्वान पर धरना स्थल पर 9 पुरुष कर्मियों ने मुंडन कराया, वहीं महिला कर्मियों ने काले कपड़ों में रोष व्यक्त किया। गौर हो कि कर्मी पिछले 16 दिन से धरने पर बैठे हैं। साझा मोर्चा के राज्य कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा ने बताया कि उनकी मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। कई बैठकों के बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इसलिए आज उन्होंने मुंडन करवाकर अपना रोष प्रकट किया। मुंडन तभी कराया जाता है जब घर के किसी बड़े सदस्य का निधन हो जाए। उन्होंने भी इसलिए मुंडन कराया क्योंकि उनके लिए सरकार मर गई है। कुरुक्षेत्र से गुरुदेव सिंह गुजराल की रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन के पूरे प्रदेश के करीब 16 से 17 हजार कर्मचारी 18 दिन से लगातार धरने पे हैं, आंदोलन पे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने आज से नहीं, 18 दिन से नहीं, 2-3 महीने से लगातार सरकार के अधिकारियों से, सरकार के मुख्यमंत्री से, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार बैठकें की हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड नियमितीकरण की है उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि आज हमने पूरे प्रदेश में और कुरुक्षेत्र में 9 कर्मचारियों ने मुंडन करवाया है। आप खुद समझदार हैं, प्रदेश की जनता समझदार है कि किसी भी घर में मुंडन कब करवाया जाता है। जब किसी घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तब वो मुंडन करवाते हैं, लेकिन हमारे एनएचएम कर्मचारियों के हिसाब से हमारी सरकार मर चुकी है, जो हमारी आवाज नहीं सुन रही है। अगर वो जिंदा होती तो हमारी आवाज सुनती। तो आज उसी दुख में, उसी शोक स्वरूप हमने कर्मचारियों ने मुंडन करवाया है। सरकार हमारी डिमांड पे काम नहीं करती है, सुनवाई नहीं करती है, तो कल हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पे उतर के भीख मांगेंगे। सरकार हमें नहीं दे रही तो हम जनता से गुहार लगाएंगे।